गाइस, दिस इज योर दीक्षा शर्मा एंड अकॉर्डिंग टू हेडिंग आवर टुडेज टॉपिक इज रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन मैकेनिज्म। सो ये मैकेनिज्म क्यों काम करता है? ये मैकेनिज्म जब हमारी बॉडी में ब्लड वॉल्यूम या ब्लड प्रेशर कम होता है देन इट वर्क्स। लाइक जैसे एक्सीडेंट हुआ, ब्लीडिंग हुई, तो बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाएगा, तब ये मैकेनिज्म जो है वो वर्क करेगा। क्यों वर्क करेगा? जो हमारा ब्लड वॉल्यूम कम हुआ है उसको इंक्रीज करने के लिए ये वर्क करता है। ठीक है, सो हाउ इट वर्क्स इसके बारे में हम समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। सो फर्स्टली रेनिन कहाँ से रिलीज होता है? रेनिन जो है वो किडनी से रिलीज होता है। किडनी में जो इसका स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है दैट इज नेफ्रॉन, वहाँ से रिलीज होगा रेनिन। ठीक है, तो रेनिन जो है वो नेफ्रॉन से कैसे रिलीज होता है उसके बारे में हम थोड़ा सा समझेंगे, इससे आपको पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। ठीक है, सो फोकस करो थोड़ा सा। ये है हमारा एफरेंट आर्ट्रियोल। ठीक है, एफरेंट आर्ट्रियोल की वॉल्स पे कुछ एपिथेलियल सेल्स होते हैं। तो ये जो एपिथेलियल सेल हैं ये मॉडिफाई हो जाते हैं, जो इसकी बॉल्स जो है आर्ट्रियोल की बॉल है इस पर कुछ जो एपिथेलियल सेल्स हैं वो मॉडिफाइड हो जाते हैं, और ये जो मॉडिफाइड सेल्स हैं इनको हम बोलते हैं पॉलकिंसन सेल्स। ठीक है, तो ये जो मॉडिफाइड सेल्स होते हैं वो बैरोसेप्टर की तरह काम करते हैं। बैरोसेप्टर मतलब जब भी ब्लड प्रेशर, बैरो से आप क्या समझते हैं, प्रेशर अगर कम होगा या इंक्रीज होगा तो ये सेल्स जो है वो एक्टिवेट हो जाए, सेंसिटिव होते हैं ये ब्लड प्रेशर के लिए। तो देखो यार, जब ब्लीडिंग होगी, मैंने एग्जांपल दिया आपको, ब्लीडिंग हो गई, ब्लड वॉल्यूम कम हो गया, ब्लड वॉल्यूम कम होगा तो जब ब्लड यहाँ से आ रहा है, ब्लड वॉल्यूम कम है, ब्लड प्रेशर कम है, तो ये जो सेल्स हैं पॉलकिंसन सेल्स बैरोसेप्टर है, तो मतलब ये प्रेशर को रिकॉग्नाइज कर लेंगे कि कम है। तो जब ये इनको पता लगेगा कि प्रेशर जो है एफरेंट आर्ट्रियोल में कम है तो ये रेनिन रिलीज करते हैं। क्या करते हैं? इनमें जो ये सेल्स हैं इनमें इनएक्टिव होता है रेनिन, पर जब ब्लड प्रेशर जो है कम हो जाता है तो ये जो है वो एक्टिव हो जाता है और रेनिन जो है वो रिलीज हो जाता है एफरेंट आर्ट्रियोल में। हो गया रेनिन रिलीज। अब जो हमारा ब्लड है वो फिल्ट्रेट हो रहा है ग्लोमेरुलर, जो ये ग्लोमेरुलस है यहाँ से फिल्ट्रेट हो रहा है, पीसीटी में जा रहा है। सो पीसीटी में जो सोडियम का रीअब्सॉर्प्शन है वो कम होगा या ज़्यादा होगा? सो आप लोग सोचेंगे कि हाँ कम होगा, क्योंकि ब्लड प्रेशर कम है, ब्लड वॉल्यूम कम है, तो इसका रीअब्सॉर्प्शन भी कम होना चाहिए, बट इट इज़ रॉन्ग। क्या होता है, देखो यार, अगर मैं यहाँ से कुछ फेंक रही हूँ, समझ लो यहाँ पे मैंने पत्थर फेंके, तो जो ये बॉल्स पे जो एपिथेलियल सेल्स होंगे इनको पकड़ने के लिए, अगर धीरे धीरे कुछ जा रहा है तो ये जल्दी ज़्यादा पकड़ सकेंगे, तो मतलब ज़्यादा पकड़ सकेंगे। वैसे ही एपिथेलियल सेल का देख लो कि एपिथेलियल सेल जो है वो ज़्यादा सोडियम पकड़ेंगे, जो ज़्यादा सोडियम बाहर आएंगे तो सोडियम की रीअब्सॉर्प्शन जो है वो ज़्यादा होगी, इसकी रीअब्सॉर्प्शन ज़्यादा होगी। तो नॉर्मली जो है पीसीटी में 60-70% सोडियम रीअब्सॉर्ब होते हैं, फिर इससे भी ज़्यादा होंगे, 80-90 रीअब्सॉर्ब हो जाएंगे यहाँ पे, तो फिर ये नीचे जाएगी सोडियम, जो बच्चे खुचे सोडियम है वो नीचे जाएंगे। फिर जब यहाँ पे डीसीटी में पहुँचेंगे, जो बहुत कम सोडियम बचे हुए हैं वो, तो यहाँ पे जो डीसीटी है उसमें जो सेल्स होते हैं वो भी मॉडिफाइड होते हैं। ये देखो डीसीटी के जो सेल्स हैं वो भी मॉडिफाइड होते हैं, और ये जो बहुत डेंस, अगर हम देखते हैं इसके स्ट्रक्चर को तो बहुत डेंस और डार्क कलर के दिखते हैं ये, इसलिए इनका नाम मैक्यूला डेंसा रखा है, मैक्यूला डेंसा। ओके, सो मैक्यूला डेंसा जो है वो कीमोरिसेप्टर्स हैं, कीमोरिसेप्टर्स। पॉलकिंसन सेल्स जो है बैरोसेप्टर थे, ये कीमोरिसेप्टर्स हैं। कीमोरिसेप्टर मतलब केमिकल को ये रिकॉग्नाइज करेंगे, केमिकल के लिए सेंसिटिव होंगे। तो जब सोडियम यहाँ से जा रहा होगा, अब ये इनको पता लगे कि सोडियम का अमाउंट कम है, क्योंकि ज़्यादा रीअब्सॉर्प्शन पीसीटी में हो गई है, तो यहाँ पे कम पहुँचेंगे। जब इनको पता लगेगा कि जो सोडियम है उसकी रीअब्सॉर्प्शन कम हो रही है, तो ये सेल्स जो हैं वो पॉलकिंसन सेल्स को बोलेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा रेनिन रिलीज करो, तो और ज़्यादा रेनिन रिलीज होगा एफरेंट आर्ट्रियोल में। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा एफरेंट आर्ट्रियोल में रेनिन रिलीज होगा। और ये जो मॉडिफाइड सेल्स हैं, इस सारे सेल के जो एपरेटस है उसको बोलते हैं हम जे जी एपरेटस।
ओके ये हो गया हमारा जे जी अपरेटस। सो इसको थोड़ा ऐसे करके देख लेते हैं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। ये थे हमारे मैक्यूलर डेंसर सेल जो कि पीसीटी के सेल ही डीसीटी के सेल मॉडिफाइड हुए हैं, और ये एफरेंट आर्टियोल के जो स्मूथ मसल्स हैं उसके सेल्स मॉडिफाइड हुए हैं जिनको हमने बोला है पॉलकिंसन सेल्स। दे आर सेंसिटिव फॉर प्रेशर एंड दे आर सेंसिटिव फॉर केमिकल। ठीक है, तो इन दोनों ने मिलकर रेनिन को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज किया। ठीक है, हो गया रेनिन रिलीज। अब रेनिन जो है वो यहाँ से जाता हुआ, मतलब जो ब्लड है उससे जाता हुआ, उससे जाएगा, मतलब ब्लड से होते हुए जाएगा। ठीक है, अब देखो जो हमारा लीवर है वो बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स रिलीज करता है। क्या करता है हमारा लीवर? बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स रिलीज करता है। तो एक प्रोटीन जो है वो होता है एंजियोटेंसिनोजन। तो ये जो है वो एंजियोटेंसिनोजन रिलीज करता है ब्लड प्लाज्मा में। प्लाज्मा में जो है वो एंजियोटेंसिनोजन हर टाइम अवेलेबल होता है। क्या होता है, जो ब्लड है उसमें हमेशा एंजियोटेंसिनोजन अवेलेबल होता है। तो अब क्या होगा, रेनिन यहाँ पहुँच गया। अब रेनिन क्या करेगा, जो ब्लड में एंजियोटेंसिनोजन है उसको एंजियोटेंसिन वन में कन्वर्ट कर देता है, एंजियोटेंसिन वन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, और अब जो है वो एंजियोटेंसिन वन को एंजियोटेंसिन टू में कन्वर्ट होना, तो उसके लिए जो हमारा लंग्स है, लंग्स में एक एंजाइम होता है ACE, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। तो एंजियोटेंसिन वन जो है वो लंग्स में जाएगा और ये जो एंजाइम है वो एंजियोटेंसिन वन को एंजियोटेंसिन टू में कन्वर्ट कर देगा, एंजियोटेंसिन टू। इट इज क्लियर और नॉट? ठीक है, एंजियोटेंसिन टू, जो एंजियोटेंसिन टू है अब इसका मेन रोल होता है। एंजियोटेंसिन टू जो है वो एक्ट करता है एज अ बेसो कंस्ट्रिक्टर। बेसो कंस्ट्रिक्टर एक्ट करेगा तो मतलब ये बेसल्स को जो है वो कंप्रेस करेगा, कंस्ट्रिक्ट करेगा। ठीक है, अब बेसल को ये कंप्रेस करेगा तो ब्लड प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। जब हम किसी चीज़ को दबाते हैं तो प्रेशर बढ़ता है ना, तो प्रेशर बढ़ जाएगा, ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो मतलब हमें करना क्या था, ब्लड वॉल्यूम को बढ़ाना था, ब्लड प्रेशर को बढ़ाना था, तो वो बढ़ गया। ठीक है, एक तरीका होता है कि वो बेसो कंस्ट्रिक्टर की तरह एक्ट करके ब्लड प्रेशर को या ब्लड वॉल्यूम को बढ़ा दे। ठीक है, इसको इंक्रीज करते। एंड सेकंड वे क्या होता है, जो एंजियोटेंसिन टू है वो एड्रीनल कॉर्टेक्स के पास जाता है और इसको बोलता है कि वो एल्डोस्टेरोन को रिलीज करे। और एल्डोस्टेरोन जो है वो वाटर और सोडियम को रीअब्सॉर्ब करने में हेल्प करता है। तो अब एल्डोस्टेरोन क्या करता है, एल्डोस्टेरोन जाएगा कलेक्टिंग डक्ट के पास, और जो भी यहाँ से सोडियम आ रहा होगा, जो बचा खुचा सोडियम यहाँ पे आ रहा होगा या वाटर आ रहा होगा, उसको फिर से रीअब्सॉर्ब कर लेगा, इसको फिर से बोलेगा कि अंदर जाओ। अब अंदर जाएगा तो जो ब्लड वॉल्यूम है, ब्लड प्रेशर है, फिर से इंक्रीज हो जाएगा इनकी वजह से। तो वही हमारा मेन काम था, ब्लड वॉल्यूम या ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करना। सो ये भी हो गया। तो मतलब दो तरीकों से इसने काम किया। सबसे पहले क्या हुआ था, एक बार जल्दी जल्दी रिवाइज करते हैं। देखो सबसे पहले क्या हुआ था, ब्लड वॉल्यूम कम हुआ, ब्लड प्रेशर कम हुआ। तो जब ब्लड यहाँ से आ रहा था, जो ये एफरेंट आर्टियोल के पॉलकिंसन सेल्स हैं, मॉडिफाइड सेल्स हैं, इनको पता लगता है क्योंकि बेसो रिसेप्टर की तरह काम करते हैं। अब ये रेनिन रिलीज करवाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। अब जो ब्लड है वो फिल्टर्ड होता है तो सोडियम यहाँ पे ज़्यादा रीअब्सॉर्ब हो जाता है। रीअब्सॉर्ब क्यों होता है, क्योंकि जो ये स्लोली स्लोली मूव कर रहा है तो जो एपिथीलियल सेल है जल्दी से पकड़ लेते हैं सोडियम को। ठीक है, तो कम सोडियम जो है वो डीसीटी तक पहुँचता है, कम पहुँचता है, तो जो ये मैक्यूलर डेंसा है वो कीमोरिसेप्टर है, इनको पता लग जाता है। ये और रेनिन रिलीज करवाते हैं। ठीक है, और रेनिन रिलीज करवाते हैं तो जो रेनिन है वो एफरेंट इस आर्टियोल से होकर ब्लड प्लाज्मा में जाता है। और ब्लड प्लाज्मा में क्या होता है, एंजियोटेंसिन
एंजियोटेंसिनोजन एंजियोटेंसिनोजन प्रोटीन होता है, तो रेनिन जो है एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन वन में कन्वर्ट कर देता है। अब जो एंजियोटेंसिन वन है उसको ACE जो कि लंग्स से आता है वो कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन टू में। एंजियोटेंसिन टू जो है वो एक्ट करता है एज अ वेसो कंस्ट्रिक्टर, ये वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट कर देता है, कॉम्प्रेस कर देता है, जिससे कि ब्लड प्रेशर हमारा बढ़ जाता है, ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है, ठीक है। और क्या करता है ये एड्रीनल कॉर्टेक्स के पास जाके बोलता है कि एल्डोस्टेरोन रिलीज करो उसे ज़्यादा से ज़्यादा, और ये ज़्यादा से ज़्यादा एल्डोस्टेरोन रिलीज करते हैं, और एल्डोस्टेरोन जाके जो नेफ्रोन का कलेक्टिंग डक्ट पार्ट है उस पे जाके सोडियम और वाटर को जो बचा कुछ होता है उसको रीअब्सॉर्ब करवा लेते हैं, जिससे कि ब्लड में ये सोडियम और वाटर बढ़ जाते हैं और ये ब्लड प्रेशर और ब्लड वॉल्यूम को इंक्रीज करवा देते हैं। सो दिस इज़ द मैकेनिज्म रेनिन एंजियोटेंसिनोजन एल्डोस्टेरोन मैकेनिज्म। गाइस देखो अगर आपको समझ आया है देन गिव अ लाइक, और आप सब्सक्राइब करो, जो नए लोग हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि मैं नई से नई वीडियो बना सकूँ। दिस गिव मी मोटिवेशन टू मेक मोर एंड मोर वीडियोज़, एंड जो बेल आइकन बटन है उसको दबाना ना भूलें बिकॉज उससे नोटिफिकेशन आती है। सो थैंक यू गाइस फॉर लिसनिंग माई होल वीडियो, थैंक्स।